हेलो डियर लर्नर्स यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विदाउट नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यू कान डू एनीथिंग कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं सोम इज मैंडेटरी सो सोम को अच्छे से टाइम देके इसका थेरी पढ़िए एंड आफ्टर लर्निंग थेरी यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू गिव कॉन्फिडेंस ठीक है टू गेट कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट तो इतना क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा टाइम टेकिंग होता है सो so क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छे से इजी टू डिफिकल्ट मोड में अरेंज किया हूं ठीक है सो अगर इजी टू डिफिकल्ट मोड में आप बनाइएगा जब क्वेश्चंस को तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सो एडवांटेज लीजिए इस वर्कबुक का दिस वर्कबुक आई एम गोइंग टू रिलीज बहुत लोगों का डिमांड था सर सोम का भी वर्कबुक बना दीजिए सो मैंने सोम का भी वर्कबुक बना दिया है वर्कबुक का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे कुछ दिन के बाद अवेलेबल होगा अभी अवेलेबल नहीं है सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्क बुक फ्री सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्क बुक फ्रॉम ट्वेंटी फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मोस्ट प्राइवली उसी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा सो so, तब तक आप लोग वर्क बुक डाउनलोड कर सकते हैं वर्क बुक वगैरह कहां से डाउनलोड कीजिएगा इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा बॉक्स आई हैव आई एम गिविंग यू अ लिंक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक इस लिंक को आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा इस लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक में स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के सेक्शन में चले जाइएगा उसके बाद वो सेल्फ एक्सप्लटरी है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो देखना है कौन सा नहीं देखना है क्या करना है नहीं करना है एक बार उस लिंक को जरूर ओपन कीजिएगा और लिंक को बेटर होगा लैपटॉप में ओपन कीजिएगा लैपटॉप में लिंक को ओपन कीजिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि उसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं उस लिंक में क्लियर सो so, इसका पूरा एडवांटेज लीजिए वर्कबुक को डाउनलोड कीजिए क्वेश्चंस बनाइए आंसर की भी अवेलेबल है और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से अरेन्ज है इतना क्वेश्चन अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा देन आपका एक अलग ही लेवल होगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल का कोई कंपैरिजन नहीं होगा किसी से डेफिनेटली यू पीपल विल बी वेरी कंफर्टेबल विद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आफ्टर सॉल्विंग दिस मच क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कबुक सो बहुत ही अच्छे से प्लान्ड है इस वर्कबुक में अगर आपको कहीं कोई प्रिंटिंग एरर मिलता है फर्स्ट टाइम रिलीज अगर अगर कहीं कोई अगर कहीं कोई कोई प्रिंटिंग एरर आंसर की में गलती मिलता है देन यू कैन व्हाट्सएप मी मेरा नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास रहता है आप इस लिंक को भी ओपन कीजिएगा उसमें भी मेरा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ये आपका मिस्टेक हो गया है इस वर्कबुक में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ये है वो है और वीडियो सॉल्यूशन में भी अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ कभी कभी होता है लिखने में गलती हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि सर आपसे यहाँ पे ये यह मिस्टेक हो गया है देन मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ व्हाट्सअप पे कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगा ये चीज ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे होगा बट चांसेस कम होते हैं बट हो ही जाता है इतना लंबा कोर्स है कहीं ना कहीं एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई सामने बताने वाला नहीं होता है तो बनाते रहते हैं तो कहीं एक आध छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है क्लियर सो नो नीड टू वरी उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगा यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ एंड सेंड मी ठीक है और मैं उसमें आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा कि कहा क्या मिस्टेक है सो आई होप कि आप लोग ये वर्कबुक बहुत ही एंजॉय कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कीजिएगा थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड टू गेट द कॉन्फिडेंस सो इसको सॉल्व कीजिए और अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्ट्रांग बनाइए होप यू पीपल विल एंजॉय